तो रेफरेंसेस की फॉर्मूले आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस ऑनलाइन क्लासेस में, और बात कर रहे हैं सबसे पहले हम एड्रेस फॉर्मूले में। तो जैसे देखिए, सेल का एक तो एड्रेस होता है आपका कि A1 है, B1 है, इस तरह का एड्रेस आपके पास है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास रो एंड आपके पास कॉलम, रो एंड कॉलम नंबर्स में है 1 और 1 इस तरह से, तो मुझे यहाँ पे A1 चाहिए। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो 1 और 1 को देख के A1 आपको बता दे। इस केस में हम यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मूला लेंगे, उसमें हम रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर को लेंगे, एड्रेस बना देंगे। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए। सही सर, रिकॉर्डिंग की परमिशन। तो यहां पे आए, हाँ बोलिए। अब दिख गई, तो यहाँ पे रो 1 और कॉलम 1 है। प्लीज आप अपने माइक को म्यूट कर लें। कर रहे हैं तो यहां पे हमने रो का फॉर्मूला लगाया जो कि कॉलम नंबर रो नंबर का जो नंबर सिस्टम में था उसको उसने कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करके हमें बता दिया कि आखिर इसका एड्रेस क्या है। बट इस एड्रेस पे अगर किसी तरह का वैल्यू चलाए, मतलब कि मेरे पास अगर किसी ने A1 टेक्स्ट में लिख दिया तो मुझे A1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि तो अगर हम सम या किसी चीज में इसको इग्नोर, इसको इंसर्ट करते हैं तो फिर इसको रीड नहीं किया जाएगा। तो हमारे पास इनडायरेक्ट का फंक्शन होता है। इनडायरेक्ट क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है इसके रेफरेंस में और इसका वैल्यू आपको दे देता है। तो ऐसे यहां भी मैं अगर इनडायरेक्ट का फॉर्मा लगाऊं तो इनडायरेक्ट हमें बताएगा इसका रेफरेंस क्या है। तो दो फॉर्मूले हमने आपको सिखाया, अभी हमने सिखाया आपको एड्रेस का फॉर्मूला, और दूसरा हमने सिखाया आपको इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। लेकिन इसका यूज क्या है, इसका पर्पस क्या है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक डेटा बनाता हूं, यहां पे कुछ नेम देता हूं, कुछ पर्सन्स नेम देता हूं, और हम यहां पे देते हैं मंथ। अब मुझे इसमें मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नेम दिया, नेम में बोला पूजा, और यहाँ पे हमने क्वार्टर 1 दिया, मुझे इसका सम चाहिए। तो सबसे पहले क्या, तो यहां पे हम सबसे पहले निकालेंगे कि पूजा का रो नंबर क्या है,
तो हमारे पास मैच का एक फॉर्मूला किसी भी सेल किसी एक एरिया में, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी भी एक सेल वैल्यू जैसे कि हमने यहां पे लिया, उसको एक एरिया जैसे हमने ये बताया कि भाई इसमें जाओ, तो इस पूजा को इस एरिया में ढूंढेगा A1 से लेके A10 में, है या नहीं है, है तो उसका रो इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 क्या है बता देगा, होती है आपका 2 आ गया। अब हमने क्वार्टर 1 दिया तो हमारे पास चूज का फॉर्मूला है, हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि वैल्यू अगर 1 है तो जैन है, अगर 2 है तो अप्रैल है, और 3 है तो यहाँ पे जुलाई है और यहाँ पे अक्टूबर। अगर 1 है तो जैन है, 2 है तो अप्रैल, 3 है जुलाई और 4 है तो अक्टूबर है। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ 2 दूंगा तो अप्रैल आएगा, 3 दूंगा तो जुलाई आएगा, 4 दूंगा तो अक्टूबर आएगा। हर वीक का, हर क्वार्टर का पहला मंथ आ गया, चूज फॉर्मूले। तो चूज फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को? हेलो, चूज फॉर्मूला में कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए। और फिर मैं यहाँ पे मैच लगाया, मैच में हमने बोला कि इस अक्टूबर को ढूंढो कि किस कॉलम में, तो यहाँ पे कॉमा देना चाहिए था, मैं डॉट दे दिया। तो हमारे पास रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 11 है, पूजा का डेटा हमारा यहां से दूसरे नंबर रो और 11 में। तो मैं यहाँ पे एड्रेस का फॉर्मूला लगा रहा हूं, एड्रेस उसमें रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 11 ले लिया तो इसका एड्रेस K2 है। तो ये हो गया लास्ट। फिर मुझे K2 से M2 लेना है, तो फिर मैं यहाँ पे एड्रेस बनाऊंगा और बोलूंगा कि दो नंबर रो एंड कॉलम नंबर +2 बता देगा M2, तो K2 से M2। लेकिन जब हम सम वगैरह लगाते हैं तो हम देते हैं इस तरह से K2 कॉलन M2। तो यहां पे हम इसको आपस में कॉन्कैटेनेट कर देते हैं, आ गया। और फिर हम सम में इसको देंगे तो सम तो करेगा नहीं, क्योंकि A एक टेक्स्ट है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एड्रेस में। तो यहां पे हम सम और यहां पे हम इनडायरेक्ट का फॉर्मूला देंगे और इसको आ गया, ठीक है सर। दीपेंद्र जी, रजनीकांत जी, कोई डाउट इसमें? जी नहीं, नहीं सर। तो इसको एक जगह पे कैसे इकट्ठा कर, चलिए एक जगह पे इसको इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चूज को कॉपी करते हैं और 11 जहां पे हमारे पास यहाँ पे C14 है इस पे इसको पेस्ट कर।
फिर हम इसको यहाँ मैच को कॉपी करते हैं और यहाँ के टू जहां पे एड्रेस है उस एड्रेस में हम इसको पेस्ट करते हैं और इस मैच को भी उठाते हैं और इस मैच को इसके एड्रेस पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसमें भी आपका D14 हम इस पे पेस्ट कर देते हैं कॉपी और यहां हम यहां पे A16 पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इस फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे C16 पे पेस्ट करते हैं इसको कॉपी किया और इसमें D16 पे पेस्ट कर दिया और फिर इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और यहां इनडायरेक्ट में E16 पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए सबसे लिंक किसका हट गया, अब इसको मैं कट करूंगा और यहां पे अब यहां में मैं दूसरा सेल रखता हूं दूसरे क्वार्टर का सम आएगा, पहला देता हूं तो पहले का, दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, चौथा चौथे का और अगर नेम चेंज करता हूं मैं करता हूं इंदर तो इंदर का। समझ में आया आप लोगों को? रजनीकांत जी, इंदर जी, आफिया जी एंड रेशम जी, कोई डाउट इसमें जी? नहीं। तो ये हमने अभी इस फॉर्मूले में हमने इस एग्जांपल में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा चूज फॉर्मूला। हालांकि चूज के जगह पे हम एफ भी लगा सकते थे लेकिन इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता और ये हमारा बहुत आसान हुआ। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर। सॉरी सर, तो चूज को सीखा इसमें, इसके बाद सीखा आपने मैच को, फिर सीखा आप इनडायरेक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूले बार में आता हूं मैं, फॉर्मूला बार में मेरे पास इससे आगे एड्रेस हो गया, चूज हो गया, अब मेरे पास रो एंड कॉलम का फॉर्मूला है। रो फॉर्मूला के बारे में जानिए। देखिए रो फॉर्मूला है कि अगर मैंने इक्वल रो फॉर्मूला लगाया, जिस सेल में लगाऊंगा उस सेल का रो नंबर देगा, अगर इसके अंदर किसी सेल का रेफरेंस दे दिया तो उस सेल का रो नंबर देगा। इसका यूज होता है कैसे जगह पे होता है, जैसे कि आप मान लीजिए सीरियल नंबर दे रहे, तो सीरियल नंबर आपने यहां पर उठा के मान लीजिए दिया तो उसमें क्या होगा कि बीच बीच के सीरियल को हम डिलीट कर दिए,
यहाँ पे क्या होगा, सीरियल मेरा अनसिक्वेंस हो गया, हो गया 7 के बाद 16। मैं चाहता हूँ अनसिक्वेंस ना हो, अगर बीच में कोई सीरियल डिलीट होता है तो अपने आप को फिर से सही कर ले। उस केस में हम यहां रो देंगे, बीच में से किसी सीरियल नंबर को हम डिलीट करते हैं तो देखिएगा वापस सही हो गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सीरियल नंबर स्टार्टिंग से नहीं करते। अगर मान लीजिए मैं यहां सीरियल नंबर देता हूं इक्वल टू, हमने यहां पर रो लगा दिया तो ये पते आएगा, कोई बात नहीं, आप इसमें माइनस 12 कर लीजिए और ड्रैग कीजिए। लेकिन इसका यूज एक जगह और भी करते हैं, जैसे मैं कोई डेटा लेता हूं, अगला एग्जांपल के लिए मुझे डेटा की जरूरत पड़ेगी तो डेटा ले लेता हूं, इसी डेटा ले लेता हूं। अब मुझे इस डेटा में से जो है, एक मिनट में एक और दूसरा डेटा लेता हूँ, सेल्स का छोटा डेटा ले, मुझे इस डेटा में से है हर तीसरे को फिल्टर करना है, मुझे इसका हर तीसरा डेटा चाहिए, तो मैं यहां पे इक्वल रो करूंगा और इसमें से -1 कर दूंगा तो मुझे यहां पे आ गया सीरियल नंबर आ गया हर तीसरा, 3 का मल्टीप्लाई। तो उस केस में इसको हम मोर लगा देंगे, मोर और यहां पे देंगे इक्वल, जहां जहां 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां से हम फिल्टर करके 0 को सिलेक्ट कर, तो हर तीसरा फिल्टर होगा। रजनीकांत जी समझ में आया? जी हाँ, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो रो के जैसा हमारे पास कॉलम भी होता है, तो कॉलम भी वही काम करता है जो रो करता है, देखो कॉलम वाइज चलता है, रो बाई चलता है। ऐसे ही हमारे पास एक रोज का फॉर्मूला है जिसमें आप जितने भी रोज सिलेक्ट करेंगे उसका रोल नंबर दिख जाएगा, एंड कॉलम्स का फॉर्मूला है जितना कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे उतना कॉलम दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन इन लोगों का इसका यूज हम लोग करते हैं वो करते हैं किसमें, एरे फॉर्मूला। जब एरे हम आपको सिखाएंगे तो इसका और भी बेहद यूज हम बताएंगे। हाँ सक्सेसफुली पब्लिश कर, ठीक है ओके, मेल जरूरी नहीं है, सिस्टम समझ लीजिए सही है। इसमें आपके पास एक कॉलम होगा, एक फील्ड वैल्यू, एक फील्ड वैल्यू नया फॉर्मूला आया,
एरे के अंदर आपको बताएगा फिल वैल्यू में कि जितना आपने अगर सेलेक्ट कर लिया वो अलग फॉर्मूला है, फिल वैल्यू जो है आपका अलग फॉर्मूला है। हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया, एंड फील्ड नेम नया फॉर्मूला है, मैंने भी नहीं देखा, एक बार देखता हूँ बताता हूँ इसके बारे में, या फिर ये फॉर्मूला है क्या, एक मिनट में देखेंगे। फील्ड ए टू कॉमा प्राइस, एक मिनट, इसको एक बार देखता हूँ कि बता दो इसको बारे में, फील्ड के बारे में, फील्ड वैल्यू के बारे में एक बार देख लेता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि ये फॉर्मूला नया 2019 में आया, ऑफिस 365 में आया, मैं जस्ट देख रहा हूँ इसको। फॉर्मूला टेक्स्ट है, ये बताता है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला टेक्स्ट। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम आपके साथ लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूला करने वाले हैं, सॉरी लुकअप फॉर्मूला, क्योंकि वी लुकअप बगड़ा हम आपको कल की क्लास में सिखाएंगे, क्योंकि काफी जरूरत है। सर कल आपने एक असेसमेंट फाइल भेजी थी, उसमें मुझे वो पहले उसको मंथ वाला नहीं भेजी है ना। हाँ जी सर, मैंने तो कल ही भेज दिया था। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। मुझे सेवंथ क्वेश्चन में डाउट था, जो उसे फाइव और सिक्स वाली डेट वाला जो प्रॉब्लम थी। बी लुक का तो 5 दिन चलेगा, 1 दिन में क्लास नहीं है। बी लुक का चलेगा, 4-5 क्लासेस चलेगी कंटिन्यू। नहीं है ठीक, कितना किस पे है रजनीकांत जी, बाकी सब फाइल भेजते हैं ना, तो कल हम उस फाइल पे डिस्कशन कर लेंगे। निकाल जी आपने तो भेज दिया है, लेकिन मैं देखा भेजने वाले को इकट्ठा बैठ के देखूंगा, ठीक है, फिर उस पे जो प्रॉब्लम होगा हम बताएंगे।